हेलो लवली लेडीज़, वेलकम टू अल्पना रानी चैनल। चलिए आज कुल्फा टमाटर की सब्जी बनाते हैं। स्क्रीन पे दिए गए इंग्रेडिएंट्स प्लीज नोट करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अभी मैं यहाँ गैस ऑन की हूँ, इसके ऊपर कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी यहाँ मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज को भी अच्छे से भून ले। प्याज अच्छे से भून चुकी है। अभी मैं यहाँ 1/4 अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से भून ले। अभी यहाँ 3 से 4 करी लीव्स डाल रही हूँ, ये भी भून ले। अभी यहाँ कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से भून ले। 1/4 हल्दी डाली हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ। फिर अभी इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अभी 5 मिनट्स के लिए मैं ढक दी थी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अच्छे से भून गया है टमाटर और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए अभी यहाँ कुल्फा डाल रही हूँ, कुल्फे को भी अच्छे से मिक्स कर ले टमाटर के साथ। ये देखिए अच्छे से भून ली हूँ, अभी यहाँ 5 मिनट के लिए ढक दी थी। ये देखिए पानी कितना आ गया है टमाटर का भी और कुल्फे का भी। अभी इसमें मैं मिर्ची डालूंगी, लगभग 2 टीस्पून मिर्ची डाल रही हूँ मैं। एक्चुअली हम तीखा थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं, अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो थोड़ा कम डालिएगा। अभी यहाँ पर अच्छे से मैं भून ले रही हूँ, जब तक पानी भून जाए तब तक आप फ्राई करते रहें और ऑयल ऊपर आ जाए। अभी देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, यानी कि आपकी सब्ज़ी रेडी है। वैसे तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सब्जी कैसी बनी है। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।